तब से मैं यहाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम शशि भूषण है, अब आप लोग सुनेंगे। तब से कोशिश कर रहा हूँ यहाँ और ये देख रहा हूँ। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है साहब, आपको जाके सरकार से सवाल पूछना चाहिए। आप यहाँ गरीबों से, स्टूडेंट से सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपना वॉयलेंट प्रोटेस्ट कब बंद करेंगे। अरे यार, एक ब्लाइंड आदमी क्या वॉयलेंट प्रोटेस्ट करेगा? एक दलित आदमी जो अपने घर में ठीक से रोटी कमा खा पाता है वो नहीं, वो आके यहाँ पढ़ रहा है और वो वॉयलेंट प्रोटेस्ट करेगा? अरे जिसके पास लाठी है, जिसके पास गोली है, वो प्रोटेस्ट करेगा वॉयलेंट? या वो मारपीट करेगा कि स्टूडेंट मारपीट करेगा वहाँ पे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इस तरह के सवाल आप लोग पूछते हैं। और जहाँ तक मेरे बात का सवाल है, मारपीट का सवाल है, वहाँ पे जिस तरह का मारपीट किया गया वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और ये मोदी जी भी सुन ले, जो उन्होंने किया है ये एक बार एक दृष्टिबाधित ग्रुप पर इंदिरा सरकार ने लाठी चलवाई थी और इंदिरा सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी उस लाठीचार्ज के बाद। आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, सत्ता से आप हटेंगे क्योंकि आप इस सत्ता के लायक नहीं है। आप दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग, और ये देखिए क्या हालत बनाई है आपके लोगों ने दिव्यांग की। आप जब चश्मा उतार के दिखा रहे थे, लीजिए लीजिए, देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अब ऐसे ही बात करूंगा आपसे। मैंने कल जब मैं वहाँ पे प्रोटेस्ट में था, लोगों ने बताया कि स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है। उसके बाद पुलिस ने, मेरे कुछ साथियों ने मुझे घेर कर प्रोटेक्शन देने की कोशिश की कि मुझे बचा के निकाल लाया जाए। पुलिस वालों ने कहा, लोगों ने, साथियों ने कहा कि ये ब्लाइंड स्टूडेंट है, इसको न मारा जाए। पुलिस वालों ने कहा कि इसको साइड करो तब, और तुम लोग यहाँ से भागो। उन्होंने, मेरे दोस्तों ने मुझे इस भरोसे पर वहाँ छोड़ दिया कि पुलिस मुझे नहीं मारेगी, मुझे साइड कर दिया गया। उसके बाद साइड करने के बाद वो जो वहाँ गेट लगा था, उस जाली के रास्ते डंडा डाल के ऐसे ऐसे मारा गया मुझे। मारने के बाद जब मैं वहां से हटा और ये बोलता हुआ हटा कि मैं एक दृष्टिबाधित स्टूडेंट हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, उसके बाद मैं वहां से जब आगे की तरफ गया तो एक पुलिस वाले ने मुझे वहीं जमीन पर उठाकर पटक दिया। और मैंने उससे तब भी कहा कि तुम एक दृष्टिबाधित को ऐसे नहीं मार सकते हो, तुम्हारे अधिकार के खिलाफ है ये। उसने कहा कि जब ब्लाइंड है, जब अंधा है, तो प्रोटेस्ट में क्यों आया। और ये इन लोगों ने कम से कम 5-6 लोग मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़ के मारा मुझे ऊपर से। और ये पूरा मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं किस हालत से बोल रहा हूँ ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपको नीचे सुनने की वो नहीं है, आप धीरी आवाज नहीं सुन सकते। आप खड़े होके लगेंगे पूछने कि वॉयलेंट आप कब प्रोटेस्ट बंद करेंगे, आप लगेंगे खड़े होके पूछने कि आप सिगरेट पीना कब छोड़ देंगे, आप खड़े होके लगेंगे पूछने कि आप देशद्रोही के नारे लगाने कब छोड़ देंगे। आप ये चीज समझिए कि ये देश इस शिक्षा के लिए लड़ रहा है। और आज अगर JNU से बात उठ रही है तो वहीं जाकर देखिए, BHU से भी आज बात उठ रही है, वहीं जाकर देखिए, उत्तराखंड से बात उठ रही है। और ये सब शिक्षा के, जो आजकल के शिक्षा जो जिस तरह से बेची जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। JNU को आपने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया हर चीज का। आपने हर जगह से ये कहा कि यहाँ पे इस तरह के कांड होते हैं। आप हमेशा से जो भारत की मेन मुख्य धारा है समाज की, उससे JNU को काट के रखना चाहते हैं। अरे सर, यहाँ कोई नीचे जमीन से पैदा होके बच्चा पढ़ने नहीं आता है, इसी UP-Bihar का लड़का है ये, इसी झारखंड और जगह जगह का लड़का, इसी भारत का लड़का है। क्या यहाँ आने के बाद देशद्रोही बनने की ट्रेनिंग दी जाती है क्या? तब तो उसामा बिन लादेन को यही पढ़ना चाहिए था। आपने एकदम माहौल खराब करके रख दिया है। और मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अगर दिखा रहे हैं तो सच दिखाइए, देश हमसे भी ज्यादा आप पे भरोसा करता है। और आप अगर 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 आप अगर आप पैसा ले लेकर किसी की दलाली शुरू कर देंगे तो ये देश बिक जाएगा और आप भी गाली खाएंगे उसमें। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि ये देश जितना एक स्टूडेंट का है उतना ही आपका भी है, और आप ही इसको बर्बाद करने के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि मैं वहाँ क्या करता, मैं, मेरा अधिकार नहीं है अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना? और मैं अगर वहाँ खड़े होकर यह कह रहा हूँ कि एक दृष्टिबाधित
स्टूडेंट हूँ, मुझे मत मारो, तो अब पुलिस ये कह रही है कि तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम ब्लाइंड आदमी हो, इसलिए मुझे और मार दिया जाए। डॉक्टर ने कहा कि अगर मेरी हड्डी मजबूत ना हुई होती तो मैं जिस हालत में भी बैठा हूँ ऐसे नहीं बैठ सकता था, मेरी हड्डी टूट जानी चाहिए थी। आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं मेरा। और पुलिस क्या कह रही है, लाठी नहीं चार्ज किया, हम खुद ही कूद के मार लिए क्या, अपने आप को तोड़ लिया क्या पूरा शरीर, और कौन पूछ रहा था अभी वायलेंट प्रोटेस्ट, अब जरा पूछिए कहाँ गए आप, खड़ी होइए मैडम, खड़ी होइए आप, हाँ जी हाँ जी, पूछिए पूछिए, हाँ पूछे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सवाल तो सुनने दीजिए, इनका जवाब मिलेगा इनको, हाँ अरे अरे मैडम अंग्रेजी नहीं आती हमको, अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में बात की, हाँ जी हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, चुप 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 चुप, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, पूरा भारत आपके साथ है, हाँ हमारे राइट है रिपोर्ट करने का, हाँ हाँ हाँ, रिपब्लिक की नॉट रिपोर्ट एंड यू मूव अ बाइक अवे, अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में क्या बोलिए, रिपब्लिक भारत का, हाँ आपको कोई राइट नहीं है हमको रिपोर्ट करने से रोकने के लिए, ठीक है आपको कोई राइट नहीं है प्रोफेसर को मारने के लिए और बोलने के लिए, ये आजादी है, ठीक है हो गया आपका, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, सवाल आ गया, अब भाषण दे चुकी है आप, हाँ जी नहीं नहीं आप मुझे भी नहीं छोड़ेंगी क्या, अब आप मुझे भी नहीं छोड़ेंगी, मैं भी एकदम देश द्रोही हूँ, मैं भी जाके, अरे जवाब मैडम कुछ तो शर्म करो, मैडम मुझे बिना बोले जवाब देने नहीं आता, बोल के ही जवाब दे पाऊंगा, बिना शब्द के कन्वर्सेशन नहीं होता है, ठीक है, बिना शब्द के यहाँ सवाल आओ, आप सुनिए आपने क्या क्या कहा, एम्बुलेंस रोका गया, अच्छा प्रोफेसर को पीटा गया, वैंडलिज्म क्या गया, हाँ क्या अंग्रेजी में क्या, हिंदी क्या तोड़फोड़ कर दी, मैं वहाँ जाके एम्बुलेंस रोक रहा था कि मुझे मार दिया जाए, मैं जाके वहाँ जो है प्रोटेस्ट उसमें तोड़ रहा था, तोड़फोड़ कर रहा था, मुझे मार दिया, और ये बताने के बाद भी कि मैं एक बिजली, चलिए आपने धोखे मार दिया, गलती से मार दिया, अलग बात, सवाल का जवाब दीजिए, हाँ जवाब ही दे रहा हूँ, वही जवाब दे रहा हूँ, अरे आप सर आप हमको सुनने आए कि खुद सुनाने आए, एक बात बताइए, हमको सुनने आए हैं ना, तो शांति से सुन के जब आपका पूरा उत्तर हो जाएगा तो आप दूसरा उत्तर दे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आपको पेशेंस तो होना चाहिए ना थोड़ा, हाँ तो ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर्स को मारा गया, और देश का कौन से प्रोफेसर्स को मारा गया था, और प्रोफेसर्स को स्टूडेंट मारता है, यहाँ पे जब हम प्रोटेस्ट करते हैं ना मैडम, तो यहाँ पे हम क्लास भी बगल में ही बैठ के चलाते हैं, ठीक है, ये हमारे प्रोटेस्ट का कल्चर है, यहाँ पे जब हमारा नारा होता है कि शिक्षा पे जो खर्चा हो, सरकार सुन ले मोदी जी भी, कि शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद आराम, सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ये हमारा नारा होता है, और जो आप लोग आजादी आजादी वाले नारे पे लेके माहौल बनाते हैं ना, हम लगा के दिखाते हैं अभी आपको हम क्या लगाते हैं, तो तोड़ संभाल लो आजादी, अरे ऊंचा बोल लो आजादी, अरे छुआ छूत से आजादी, अरे ऊंच नीच से आजादी, अरे जातिवाद से आजादी, अरे बलुआत से आजादी, अरे प्रबलवाद से आजादी, अरे प्रबलवाद से आजादी, हम लग के रहेंगे आजादी, हम लग के रहेंगे आजादी, हम चीन के रहेंगे आजादी, जो तुम ला दोगे आजादी, अरे प्रबलवाद से आजादी, अरे प्रबलवाद से आजादी, अरे प्रबलवाद से आजादी, अरे जातिवाद से आजादी, अरे मलुवाद से आजादी, अरे छुआछूत से आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, विकलांग मांगे आजादी, अरे दलित भी बोला आजादी, अरे मैं भी बोलूं आजादी, अरे तुम भी बोलो आजादी, अरे बोल संभाल लो आजादी, अरे बोल संभाल लो आजादी, आजादी 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 आजादी।
और हाँ, जब जब पॉलिटिकल पार्टीज, जब सुनिए सुनिए अभी बात पूरी नहीं हुई है, जब पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज्यादा करके जब वहाँ नारा लगाते हैं, प्रोटेस्ट कराते हैं, तब वहाँ वायलेंस नहीं होता है, स्टूडेंट वायलेंस करता है बस आके। और स्टूडेंट वायलेंस आप जबरदस्ती किसी चीज को एक नया नरेटिव बना के रख देंगी तो मान लिया जाएगा क्या कि स्टूडेंट वायलेंस करता है? आप ही को एक नरेटिव चलाना आता है और आप ही को आता है एक्चुअली। हम तो नहीं बता, हम तो सच बोल रहे हैं और आपको सच को झूठ की तरफ लाके खड़ा कर देना है। जहाँ तक रहा मेरी बात, अब मेरे साथ सुन लीजिए क्या हुआ था वहाँ। वहाँ हुआ कि जब ह्यूमन चेन बनाकर मुझे ले जाया गया, पुलिस वाले ने कहा कि तुम किनारे खड़े हो जाओ, मैं किनारे खड़ा हो गया, डंडा ले आके मुझे खोचा गया, फिर मुझे वहाँ पटक के पुलिस वालों ने मारा और मारने के बाद मुझे गर्दन पकड़ के उठाया और बोला भाग यहाँ से। मैं वहाँ से फिर भी अपनी ये सोचा कि यहाँ पे अगर रहूँगा तो और मारेंगे, मैं भागा। भागने के बाद मेरे पीछे पैर पे डंडा मारा गया, मैं आगे जाके गिर गया और जो स्टूडेंट मुझे वहाँ से उठा के लेके गया था उसको भी मार रहे थे लोग। ये होता है वॉयलेंस, मुट्ठी तान के नारा लगाने को वॉयलेंस नहीं कहते हैं। आप जाके रख लीजिए, ये रहा आपके सवाल का जवाब। मैंने बिल्कुल किसी चैनल का नाम नहीं लिया सर। एक मिनट रुक जाइए। नहीं नहीं, सारे चैनल कुछ चैनलों की बात आपको बताऊंगा, अकेले मिलिएगा आप।